प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसे महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 498 करोड़ रुपए खर्च कर डेवलप किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने का ट्रेंड बना दिया था। कोई भी अपनी जड़ों को काटकर अतीत को भुलाकर सफल नहीं हो सकता। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की स्थल ही नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे और मैं देख रहा हूं कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। एक प्रकार से ये उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है। इतना बड़ा काम इस दिव्य लोक के साथ जुड़ा हुआ है। मैं हिम्मता जी और उनकी सरकार की इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए सराहना करता हूं। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने उज्जैन में महाकाल महालोक के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। जब तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने पर्यटन पर बहुत बल दिया है।